Hello. We are back to work. I'm in the studio right now. I was wearing a mask. अभी उतारा है मैंने. So, संदीप कोचर जी आज आने वाले हैं एंड उनसे हम पूछने वाले हैं कि ये साड़ी स्थिति का कॉन्सेप्ट क्या होता है. हाय जूबी. राज गोस्वामी हैव सेंट मी द दिस थिंग आई हैव नॉट सीन. सेंड अगेन. राज गोस्वामी जी फिर से भेजिए. बाय द वे, यू वांट टू सी माय स्टूडियो? Do you want to see the studio? Totally show you, wait. So this is our RJ Karan, who's working from the other studio. Then we have this our studio, Radio City. And here, everything. चलो भी ज़्यादा नहीं दिखाएंगे. हाँ. We're waiting for our Mr. Kocher to join. Sent question on DM. I can't see any DM right now. Sandeep ji, we're live. Don't send on DM. Send here. Send your details here, Raj Goswami, because I can't see it there. Vaibhav Kakkad has joined. Ranvijay Kanwar. प्लीज गिव योर डिटेल्स हियर अगेन. आई हैव नोटेड डाउन फ्यू डिटेल्स जिन लोगों ने मुझे बोला था. इट्स शिवम, संजीव एंड भर्षा. शी इज नॉट हर्षा, शी इज नॉट बरखा, शी इज भर्षा. मिस्टिक रिव्यू, कैन यू सेंड योर डिटेल्स हियर अगेन? ओके राहुल वर्मा, आई एम गोना टेक योर क्वेश्चन. जस्ट क्विकली सेंड योर डिटेल्स. आई एम गोना राइट इट डाउन एंड व्हेन मिस संदीप जी कम्स वी गोना स्टार्ट. ओके, सिस्टर के लिए है अनीता. नोट डाउन. उल्लासनगर. ओके. सो व्हाट्स हैपनिंग? आप लोगों ने वापस काम जाना शुरू कर दिया? नहीं कर दिया है? वी आर वेटिंग फॉर मिस्टर कोचर. संदीप कोचर ज्वाइंड. ओके, लेट मी सी. हेलो. हेलो, हाउ आर यू? आपकी लोकेशन तो सेम रहती है, मेरी आज चेंज हो गई है. वेरी गुड. चेंज इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव, यू नो. अच्छी बात है, चेंज होते रहना चाहिए. सो आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स अबाउट साढ़े साती एंड अबाउट ओके. यू नो जितने सारे जो डरा देते हैं शनि के नाम से लोग. सो इफ यू स्टार्ट अबाउट साढ़े साती, फर्स्ट ऑफ ऑल साढ़े साती होता क्या है और यू नो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला और क्या साढ़े साती वाले लोगों को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट. बिल्कुल. देखिए, लाइट का ही काम है. एस्ट्रोलॉजी इसका जो नाम है, इसका नाम है ज्योतिष. और ज्योतिष मतलब ईश इज गॉड एंड ज्योति इज लाइट. दिस इज लाइट ऑफ गॉड. तो लाइट बहुत जरूरी है. डायरेक्शन, गाइडेंस, यू नो, नोइंग अबाउट योर सेल्फ, प्लानिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर टाइम. तो दैट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो बहुत सीधी साधी साइंस है जो आपको सही राह दिखला सकती है और सही तरीके से बताया जाए तो. लेकिन कहते हैं, यू नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज, पीपल हैव बिकम डिफरेंट. एंड ये एक ऐसा दौर है, एक ऐसा युग है जिसे कलयुग कहते हैं. तो थोड़ा सा यहाँ पे टैग डिप्लोमेसी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हर फील्ड में ऑलमोस्ट है. तो एस्ट्रोलॉजी भी उससे दूर नहीं है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग. सो आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज लाइक दैट, बट देर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, यू नो, हु बिलीव इट इज अ इजी मनी मेकिंग बिजनेस. और पैसे आप कब कमा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? वन, यू कैन पुट फियर इन माइंड. और फियर को डालने के लिए बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया गया. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, काल सर्व दोष, अगर आपने नाम सुना हो. काल सर्व दोष आज से 50 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, किसी ने नाम नहीं सुना था, क्योंकि वो किसी भी किताब में, एस्ट्रोलॉजी की जितनी ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, कहीं पे उसका मेंशन नहीं है. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने रिसर्च के नाम पर मतलब उसको क्रिएट किया गया. और वो अब डर का बहुत बड़ा विषय है. और उसको जैसे ही बोला जाए काल सर्व दोष. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट. जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. तो ऐसे ही एक दूसरा नाम है, वो है साढ़े साती. अभी साढ़े साती क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं. एक जब आप पैदा हुए, आपकी कुंडली फिक्स हो चुकी है, वो कभी नहीं चेंज होगी, कुछ नहीं घूमेगा, खाली दशाएं एक एक करके आती रहेंगी. जो प्लैनेट विच आर मूविंग नाउ, जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं हिंदी में, उसको
सॉरी समवन कॉल्ड, तो ट्रांजिट कहते हैं जिसको हिंदी में हम गोचर कहते हैं, और मेरा नाम गोचर है, तो प्लैनेट विच आर मूविंग नाउ इसको ट्रांजिट कहा जाता है। तो एक एक करके प्लैनेट आता रहता है, कभी यू नो जैसे मून हर 2.5 दिन में अपनी पूरी अगले साइन में चला जाता है, सन को 1 महीना लगता है, जुपिटर को 1 साल लगता है, शनि को 2.5 साल लगते हैं, राहु को 1.5 साल लगता है। तो सारे प्लैनेट का अपना अपना स्पीड है, अपना अपना उसे चलता है। तो 2.5 ईयर्स के लिए सैटर्न प्लेज इन वन हाउस एंड देन इट गोज टू अनदर हाउस। अब जैसे कोई राशि है, मान लीजिए अभी हम अगर बात करें मकर राशि, तो मकर राशि से एक एक साइन पहले जब सैजिटेरियस आया था आज से तकरीबन 3 साल पहले, तो सैजिटेरियस को उसने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, बिकॉज 2.5 ईयर्स के लिए वो आ गया सैजिटेरियस के ऊपर। तो वन वन हाउस बिफोर कैप्रिकॉन, वन हाउस ओवर कैप्रिकॉन, वन हाउस आफ्टर कैप्रिकॉन, यानी 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, तो ढाई हेलो, ने कहा 2.5 साल को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7.5, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो आपका ये मून साइन है साढ़े सात एक जी। तो सन शनि आया, 2.5 साल यहाँ रहा, फिर 2.5 साल यहाँ रहा और 2.5 साल यहाँ रहा, तो 2.5 2.5 2.5, तो ये बन गया 7.5 साल। तो 7.5 साल को हिंदी की दूसरी भाषा को स्लैंग में बोलने लगे 7.5 साथी, यानी 7.5 साल के लिए शनि आपकी कुंडली में, अब आपके मून साइन यानी जो राशि है जो मन को रूल करता है उसके साथ चलेगा। अब इसमें क्या हुआ, व्हेनेवर सैटर्न एंड मून, शनि और चंद्रमा एक साथ जब एसोसिएट होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर क्रिएट करते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा में दोस्ती नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब ये बताइए, जिसकी शादी नहीं हो रही थी वो बहुत टेंशन में था, जैसे उसकी शादी हुई तो उसको लगा अरे मैं कहाँ फंस गई, तो सास मेरी ललिता पवार है और मेरा जो हस्बैंड है वो नाना पाटेकर है, तो अभी कैसे होगा, तो उसको टेंशन बढ़ गई। लेकिन ये बड़ी बात क्या है कि शी गॉट मैरिड जो नहीं हो रही थी, तो 7.5 साथी ने स्ट्रेस दिया, बट इट इज अ गुड स्ट्रेस दैट नाउ शी इज गेटिंग, शी गॉट मैरिड। सेम गोज विद जॉब की बात कर लीजिए, कोई घर पे बैठा था पेड़ के नीचे, उसका बहुत टेंशन में था कि कब जॉब लगेगी कब जॉब लगेगी, जॉब लग गई तो पता चला सुबह से शाम तक काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डांट भी खा रहा है, टेंशन है यार इतना काम मुझे करना पड़ता है और सबकी सुननी पड़ती है, अब वो फिर टेंशन में आ गया। वो ये नहीं देख रहा है कि पहले खाली बैठे थे भाई साहब, अब आपको पैसे भी मिल रहे हैं उसके टेंशन के, टेंशन सेम है, तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये अच्छा या है। एको टेंशन टेंशन तो मिलने वाली है लाइफ में, जिस टेंशन के पैसे मिल रहे हो कम से कम वो झेले एब्सोल्युटली, पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू माइट गेट मोर बिजी, यू माइट गेट मोर ऑक्यूपाइड, यू माइट गेट बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ जो आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकती है, बट इट इज अ गुड स्ट्रेस। मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा, जीरो से वो लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति अरबपति बन गए, मतलब 7.5 साथी कैन डू वंडर्स ऑल्सो इन एनी वंस लाइफ। तो शनि की दशा 7.5 साथी में क्या होता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, आप डेली प्रेयर्स करिए थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, जो भी आपका रिलीजन है, दूसरों की मदद करिए, बिकॉज सैटर्न इज न्यायाधीश, वो जज है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो इफ योर डीड्स आर ऑल राइट, अभी तो कलयुग है, बहुत सारी चीजों में मॉडिफिकेशन हो चुका है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, बट इन मेजोरिटी मतलब अगर हम बिगर पिक्चर देखें, इफ यू नॉट हार्मिंग और हर्टिंग एनी वन एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल इन वट एवर कैपेसिटी यू हैव, देन इट इज यू ऑल राइट। यू माइट गेट स्ट्रेस बट यू माइट ग्रो ऑल्सो, तो दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ 7.5 साथी, जो लोगों ने डर का, जैसे ही मैं कुंडली देखने लगता हूँ तो लोग मुझे पहले मुझे बताते हैं कि अरे देखिए संदीप जी हमारी 7.5 साथी चल रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये गलत जगह आ गया, क्योंकि अब इनको मैं कैसे समझाऊँ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और एक एक लाइन में और बोलना चाहता हूँ, कितने लोग कहते हैं यू नो जब मेरी 7.5 साथी आई थी आज से 10 साल पहले तो मेरा बहुत नुकसान हो गया था और ये हो गया था, वो लोग क्या करते हैं, वो 7.5 साथी तो याद रखते हैं, वो ये नहीं पता कि जिंदगी का सबसे खराब टाइम चल रहा था, दशा 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 से ऊपर कुछ नहीं होता, तो वह बैड फेज इज रनिंग, और उसी समय 7.5 साथी आ गई, तो ब्लेम मिला 7.5 साथी को। मैंने एक वीडियो डाला था, उसका मैंने हेडलाइन बनाया था हीरो ब्रांडेड एज विलन, हीरो ब्रांडेड एज विलन, शनि के लिए लिखा था, क्योंकि शनि जिसकी कुंडली में स्ट्रांग है दे उनको वो छप्पर फाड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। जितने इंडस्ट्रियस हैं, जितने टॉप लोग हैं, जिनकी जो जितनी बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रीज हैं, देर ऑल गुड सैटर्न, सारे शनि स्ट्रांग, शनि के लोग, एग्जॉल्टेड शनि के लोग ही जिंदगी में बड़ा बनते हैं, करोड़पति और अरबपति बनते हैं। तो शनि से डरे मत। जी एब्सोल्युटली, शनि इज ए प्लैनेट ऑफ जजमेंट, इज ए प्लैनेट ऑफ डीड्स, तो अगर आपके कर्म ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका ग्रोथ बढ़ता रहेगा और आप जिंदगी में अच्छा करते रहेंगे। तो पहला सवाल मिस्टेक रिव्यू का ही लेती हैं। ये कह रही हैं कि इनकी कह रही हैं क्या कह रहे हैं पता नहीं, प्लीज अपना नाम लिखिए, मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, कि वो कह रही है मेरा चल ही रहा है 7.5 साथी, और उनकी डिटेल्स हैं 23rd of October 90 1990 हाँ कोलकाता जी
और टाइम 7:30 PM, 7:30 PM. एंड नेक्स्ट आई एम गोना टेक संजीव जी. संजीव जी, इफ यू आर हियर, गिव मी अ थम्स अप. श्रुति, इनका नाम है श्रुति. श्रुति जी, ये भी इनसे भी थम्स अप ले लीजिए. मैं गुड़ली बना रहा हूँ. 23 अक्टूबर 1990. शी इज हियर, शी इज हियर ओनली. देखिए अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि 7:30 और 9:30, इनसे खाली ये पूछिए कि आप टेंशन में कब नहीं रहती, खाली इनसे इतना पूछ लीजिए. क्योंकि इनको टेंशन का तो बचपन से, इन्होंने PhD कर रखी है कि कैसे स्ट्रेस दिया जाए. छोटी छोटी बातों में अटक जाना, रिएक्ट कर जाना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो 7:30 को ये ब्लेम कर रही है, जबकि 7:30 हैज नथिंग टू डू विद हॉरोस्कोप. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि श्रुति का फेवरेट कलर आप पूछिए तो वो आपको एक सेकंड में बोलेंगी ब्लू इज हर फेवरेट कलर, और वो ब्लू कलर होता है शनि का. बिकॉज शनि ही इनके लक का लॉर्ड है, शनि ही इनके प्रोफेशन का लॉर्ड है, नेम फेम प्रोफेशन स्टेटस एंड पावर, एंड शनि ही इनको जिंदगी में सब कुछ देने वाला है. दैट मीन्स जिस प्लैनेट को ये अभी तक ब्लेम कर रही थी, वो प्लैनेट इनका सबसे बड़ा दोस्त है जो इनकी सारी जिंदगी को बदल सकता है. तो मुझे लगता है कि पहले इनको ये सोच बदलनी चाहिए. दूसरी बात क्या है कि इम्पल्सिव है और पेशेंस है नहीं. तो जब जिंदगी में पेशेंस नहीं होता तो इंसान क्या करता है, वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है. तो रेस्टलेसनेस इज हर वन ऑफ द वीक पॉइंट. एंड कैसे इंसान शेल में जाए, कैसे हर्ट हो जाए और कैसे कुछ भी अच्छा ना लगे, इसमें ये ऑलरेडी जो मैंने कहा कि रिसर्च कर चुकी है, यू नो हाउ टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. बट अदरवाइज शी इज वेरी क्रिएटिव एंड शी इज ऑल्सो इंट्यूटिव. अगर ये हैप्पी जोन में रहती हैं तो मल्टी टास्कर हैं, कुछ भी मैनेज कर लेती हैं. तो अगर ये हैं तो इनसे पूछिए, एम आई राइट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. She is writing, yes. तो आपको मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ श्रुति, आज के बाद प्लीज आप सैटर्न को ब्लेम मत करिएगा, बिकॉज इस लाइफ में आपको जो भी मिलने वाला है वो शनि से मिलने वाला है, उसे डरिए मत. और सैटर्न को पेसिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप जरूरतमंद की मदद करिए. बी कंपैशनेट, हेल्प पीपल इन व्हाटएवर वे. राइट नाउ तो इज द टाइम कि हमारे देश में, वर्ल्ड में, जिस दिशा में देखो somebody is in trouble, तो किसी को मदद करने का इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता. एब्सोल्युटली, पीपल आर इन डिस्ट्रेस. एब्सोल्युटली. और देखिए, जरूरी नहीं कि मदद पैसे से भी हो. किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, किसी को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, किसी की जॉब लगवाई जा सकती है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं. इट इज अ ग्रेट थॉट एक्चुअली. चलो जी, नेक्स्ट वी गोना टेक संजीव. इफ यू आर हियर, इन्होंने मुझे बहुत मैसेज किया. संजीव जी, इफ यू आर हियर, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. शिवम गार्ग, आर यू हियर? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, टीचर हूँ. शिवम वैसे आजकल वो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, यू नो, कोविड सिंह डिस्टेंसिंग प्रेजेंट मैडम. भाई जी, हम ऑफिस में, संदीप जी, डू यू रिमेम्बर दिस ऑफिस? ऑफ कोर्स, यस. कितने लाइव शो किए हमने वहां से. जी बिल्कुल. चलो जी, तो मुझे लगा आप रेडियो में भी लाइव जा रही हैं. दैट्स व्हाट आई थॉट. रेडियो में यहाँ से लाइव टेक्निकली नहीं जा सकते, हम आपको अलग से लाइव जरूर लेंगे. संजीव कालरा, सो लेट्स स्टार्ट. 3rd August 1991, टाइम ऑफ बर्थ. 3rd August नहीं, 3rd July, 3rd July, 3/7/1991 जी. 15:45 यानी कि 4:15 दोपहर को. जी सर, समझ गया. प्लीज. और पटियाला पंजाब. हेलो पंजाब. जी 3rd July 1991 को वेनेसडे था, 3:45 PM पटियाला में. आपको कुछ सवाल है संजीव जी? हाँ, संजीव टॉकिंग टू संदीप. सन क्या बात है, संजीव कॉलिंग संदीप. ओके, देखिए पहली बात है कि इनको आप रोक लीजिए, इनको रोक के दिखाइए एक बार. ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और इनको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग. यू नो, इनका बचपन से गलतफहमी है कि यू नो भाई, इनसे बोलिए आपसे नहीं हो पाएगा तो ये बताएंगे करके. तो दैट इज हिज बेस्ट थिंग अबाउट हिम, ही इज सेइंग करेक्ट. देखिए तो ये आप भाई साहब, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ कंट्रोल योर हॉर्सेस. यू नो, इफ योर टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट, सॉरी, इफ योर टाइम इज नॉट राइट, वक्त आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो वहां पे अगर आप मोटिवेटेड हो गए तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. तो यू शुड नो व्हेन इट इज अ गुड टाइम एंड व्हेन इट इज नॉट ए कंफर्टेबल टाइम फॉर यू. तीसरी बात है, हाँ, मुझे लग रहा है कि मैरिज का सवाल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और तीसरी बात यह है कि इनको वैसे तो ही बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, और तुमको ही देखते प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, बार बार हुआ, तो वो इनका है. लॉकडाउन में तो लव एट फर्स्ट फाइट हो रहा है, इतनी लड़ाइयां. हाँ, लव एट फर्स्ट साइट फाइट ही हो रहा है एक्चुअली. दैट्स राइट. अभी सब डिजिटल हो गया है, तो यू नो हर चीज ऑनलाइन हो गई है. तो ये एक है, इनका पैशनेट इंसान है, हर चीज ब्यूटीफुल तरह से करना चाहते हैं.
He's asking about his marriage. या आई थॉट सो, क्योंकि वही एक लोचा है, इनकी हॉरोस्कोप में वही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमेशा फंसते रहेंगे। तो भाई साहब, संजीव भाई, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, गाड़ी तो आप दोबारा भी खरीद लोगे, शादी दोबारा करने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा अभी संजीव की दोबारा शादी हो रही है। तो देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी प्यार मोहब्बत चल रही थी, उसका उसका बैंड बाजा बारात हो गया, बिकॉज ये जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम आपका चल रहा है। तो अगर आपने एक साल तक बिल्कुल भी, अगर कोई बारात लेके भी आ जाए, वैसे तो नॉर्मली लड़के जाते हैं बारात लेके, लेकिन अगर कोई, आज की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, तो गोली भी बैठ के अगर घर के बाहर भी आ जाए, फिर भी मैं कहूंगा शादी मत करना आप 24 मई 2001 तक। एक साल भाई साहब आप गुजारा कर लीजिए किसी तरह, क्योंकि ये एक वो साल टाइम है। जो भी लड़की उसको जानने में बिताई है ना, नहीं, जिसको ही जानते हैं उससे पंगा चल रहा है इनका, मेरे हिसाब से, बिकॉज ये जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग दौर चल रहा है। तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त को गुजार लीजिए, मई 2021 तक आप बड़े भी हो जाएंगे। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आती नहीं है, डायरेक्ट रिएक्ट कर जाते हो, तो बार बार आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी वाइफ क्या कहेगी, मैं इनको बताता हूँ। संजीव, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट हनी, बट योर टोन इज नॉट राइट। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इनको टैक्ट यूज करना नहीं आता भाई, कब मेलो डाउन हो गए, बिकॉज ही इज लाइक दैट, ऐसे ऐसे एजिटेटेड हो जाते हैं और डड़ाक से इनको, ही इज ए क्रिटिक, बॉर्न क्रिटिक है। लेकिन इनकी अच्छी क्वालिटीज भी हैं, ही विल डेफिनेटली लाइक टू एंजॉय हिज लाइफ। वाइफ को घुमाने ले जाएंगे कि अरे चलो क्यों घर पे खाना बना रही हो, लेट्स गो आउट, लेट्स डाइन आउट, जब जब सब माहौल ठीक हो जाएगा। एंड तो ही हैज गुड साइड ऑल्सो, ही कैन बी ए ग्रेट कंसल्टेंट, ही कैन टीच पीपल, ही कैन बी ए लॉयर, ही कैन बी ए ट्रेनर, बहुत सारी अदर क्वालिटीज, करियर वाइज नो प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज मेंटल पीस एंड हिज रिलेशनशिप, जहां पे लोचा है उल्फत होने के चांसेस हमेशा बने हुए हैं। ये बात संजीव जी अगर सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए। और 2012-13-14 में 15 में पैकअप हो गया था आपका, मतलब वो जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट दौर था, जिसमें जाना था जापान और चीन के बॉर्डर से लौट आया। तो इट वाज नॉट अ ग्रेट सिचुएशन, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, 2017 हैज ब्रॉट मेजर चेंज इन योर लाइफ एंड इट इज अ न्यू जर्नी। आप एक एमरल्ड और डायमंड पहन लीजिए या ओपल, आप इनका बता दीजिए। नहीं बता दिया, एमरल्ड और पेंडेंट वो और उसका बताया मैं, एमरल्ड और ओपल पहन लीजिए सब। लॉट ऑफ पीपल आर मतलब सिल्वर, ब्रॉन्ज और सैटन का कुछ कनेक्शन बता रहे हैं क्या, लाइक आई डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। देखिए बहुत सारे लोग, क्या बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे मेडिकल साइंस में है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये है, हर एक का अपना सिग्निफिकेंस है। न्यूमरोलॉजी है, व्हाट्सएप पैथी हाँ वो भी बड़ी है ये बात सही है। तो उसमें क्या है कि कुछ साइंस ऐसी है, इसमें साइंस नहीं कह सकता, किताबें ऐसी हैं जहां पे टोटकों से जुड़ी है वो पूरी टोटके। कि आप ऐसा करिए, आज क्या दिन है, बोले आज मंगलवार है, तो ऐसा करिए आप रेड कलर की स्लीपर पहन के जाइएगा। तो उसका टाइम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा आपके कहने पर पहना, बोले ऐसा करिए आपने दोनों में रेड पहन ली थी क्या, नहीं 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 एक रेड और एक एक ग्रीन पहनी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज टोटकों में फंसे, और कई लोग हैं मैं आपको बता सकता हूँ जो वियर्ड हैं, जो कुछ भी करने को तैयार हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा भाई साहब, आज मैं क्या करूं। तो इट इज सच ए पैथेटिक सिचुएशन। तो भाई उस चक्कर में मत पड़िए, इट इज सैटर्न को जो मैंने आपको डिफाइन किया है बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, उसको आप फॉलो करिए एंड लाइफ इज ऑल गुड। शिवम, आर यू हियर? शिवम वर्मा, शिवम जी जी, शिवम थे, मैं संजीव कह रहा था, सॉरी। नहीं सर, उनका नाम संजीव ही था, नेक्स्ट शिवम वर्मा से मैं पूछ। अच्छा, मैं संजीव से फीडबैक ले रहा था, बताया नहीं उन्होंने कहाँ चले गए वो, शर्मा के। नो, संजीव तो यहीं पर हैं, वो हाय आपको बोल रहे हैं, करेक्ट सर सब बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, आई डिडंट रीड दैट। अगर संजीव, अगर शिवम है यहाँ पे प्लीज बोलिए, बिकॉज उन्होंने मेरा खून पी रखा है। संजीव कालरा, थैंक यू टू यू। ओ यू वेलकम। इसके अच्छा अलावा संजीव जी नमस्कार। हर्षा, हर्षा अगर आप हैं तो आप थम्स अप करिए। राहुल वर्मा आप हैं तो प्लीज अपनी डिटेल्स फटाफट लिख के भेजिए, नहीं तो विल गो टू जिन्होंने अभी भेजा है। फिर जी, और यहाँ पे मैं ये भी एक लाइन जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई साहब या भाभी जी जो भी है यहाँ पर, मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि ये जो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब पलक पलक इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, पिछली बार रुचिका का रह गया था, बहुत गालियां पड़ी थी मुझे, वो है भी। हाँ ले लीजिए, आप देखिए, आप उनको जानती हैं, स्नेहा पंत, शी इज ए अमेजिंग सिंगर, बहुत सारे बॉलीवुड के गाने गाए हैं। अगर आपको, हेलो स्नेहा, शी सिंग हेलो, हाँ शी इज अमेजिंग पर्सन। अरे आपके तो बहुत फैन है रुचिका, प्लीज वेरी टैलेंटेड, लिखिए अपनी, आई विल बी कॉलिंग प्राइवेट संदीप जी, वो कह रही है आपको। ओके श्योर, अरे यहाँ पर आप भेजो ना फटाफट, नाउ आई एम लुकिंग एट इट। रिचिका देखो भैया कितनी आवाज मार दी, अभी भी प्रेजेंट मैम नहीं आए हैं।
वर्षा इज हियर, तो तब तक वर्षा का ले लें, तब तक ऋचिका आप अपना डिटेल्स भेजिए. वर्षा का है 8th August, इफ आई एम नॉट, 8th August 2001, टाइम 12:41 PM, रानीगंज. वर्षा मैम, एम आई राइट? रानीगंज वो कहाँ है? बंगाल में. अरे ऋचिका, प्रेजेंट नहीं लिखना है तुमको, अपना डिटेल्स लिखना है. ऊपर चला जाता है यार, सॉरी. अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस लग रही है. शी सेइंग प्रेजेंट मैम. नहीं यार, अपना डिटेल्स लिखो यहाँ पे नीचे, तभी तो मैं करूंगी. वर्षा, वर्षा तुम भी नहीं बता रही हो यार. 8th August 2001, 12:41 भेज दिया राहुल वर्मा. कहाँ भेजा है डिटेल? आई कांट सी एनीवेयर. ये देखिए, इसमें कितने कई सौ एक साथ आ जाते हैं, तो आपको जब आप लिखते हो ना कि मैंने भेज दिया, बता रहा हूँ, बता दिया, तो वो मत करिए. यू सेंड इट अगेन, शी सेइंग यस. वर्षा ठीक है ना तुम्हारा? स्माइली. हाँ तो इनका बता दीजिए. राज गोस्वामी, अभी मैं फाइनल कॉल दे रही हूँ. रुचिका, राज गोस्वामी, प्लीज अपनी डिटेल्स अभी लिखिए इफ यू वांट, एंड इफ शिवम इज हियर यू आल्सो टेल मी. रुचिका आप देखो डिटेल अभी. ये देखो रुचिका एक लाइन में लिखेंगे 3rd November, 5 लाइनें बाद आएगा टाइम, 5 लाइनें बाद. एक साथ लिखे सवाल, लिखे 5 मिनट टाइप करने में लगे, फिर भेजे. ये मैं कर चुका हूँ, कई सालों से यही कर रहा हूँ, तो आई नो. चलिए आप तब तक वर्षा का कर दीजिए, मैं रुचिका का ईएमआई. सलोनी, सलोनी आपको हेलो कर रही है, सलोनी बाघरी इनका नाम. देखिए वर्षा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, एक सवाल मुझे चाहिए. बिकॉज जब आप बॉर्न हुई थी उसी समय कुंडली बदल रही थी, तो आई नीड टू नो कि वेदर टाइम ऑफ बर्थ इज एग्जैक्टली करेक्ट और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम चेंज. तो ये जवाब का, सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता आपके सिवा. और वो सवाल ये रहा आपके सामने, क्या आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है? अगर आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है, केबीसी के क्वेश्चंस. हाँ बिल्कुल बरखा, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है, तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मुझे इसको करेक्शन करना पड़ेगा. आर यू वेरी अग्रेसिव? इट इज वेरी इजी टू प्रोवोक यू, और आप तलवारें निकाल लेती हैं. और बचपन में आपने बहुत लोगों को मारा भी होगा, बताइए जल्दी से. वर्षा, व्हाट्स हैपनिंग? कहाँ गई? तो मुझे चेक करना है ये हॉरोस्कोप ये वाला है कि नहीं. लिख रही है शायद, धीरे धीरे याद. बिकॉज तब तक बिकॉज ये बहुत ही एकदम बॉर्डर पे है. 2 मिनट पहले ही बॉर्न हुई ना, पूरी कुंडली बदलने वाली. तो देन एवरी इंटरप्रिटेशन विल चेंज. 12:41 PM बोला है ना हमने, मैंने आपको. हाँ बिल्कुल, दोपहर में 12:41 पे बोला है. अभी ये यार जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई. यस सर. ये स्नेहा जी कह रही है, आई वॉन्ट टू नो संदीप जी, डू यू ओनली राइट शायरीज और क्या? मैंने पढ़ नहीं पाया पूरा. और इवन सम सॉन्ग्स. देखिए सॉन्ग भी क्या है वो, तो एक दो तीन शायरी एक साथ बोल दीजिए तो गाना बन जाता है सिन्हा जी. तो आई कैन डेफिनेटली राइट इट फॉर यू इफ यू वांट. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय शायरीज. लवली. तो ये कहाँ कहाँ गई है? यही है, यस सर लिखा उन्होंने. नहीं, गुस्से पे यस सर लिख दिया उन्होंने. अब यस सर लिखा है, अब किस पे यस सर पता नहीं. Angry is my problem, she has written. हाँ, तो फिर आपका कुंडली एकदम करेक्ट है. तो देखिए कितने लोगों को मारा ये भी बताइए, सबको बताइए. आज स्कूल में कितने लोगों को मारा ये? शी वॉज अ बॉस, यू नो, कोई अगल बगल से निकल नहीं सकता इनके. तो ये जो इनका अथॉरिटेटिव जो नेचर है, ये अभी तक तो ठीक था. एंड शी इज जस्ट 19 years old. अब जब ये इनकी शादी होगी, तो आप हिसाब लगाइए इनके हस्बैंड का क्या हाल होने वाला. Oh my God. तो मैं इनसे क्या कहना चाहता हूँ कि क्या नाम था, बरखा जी, आप थोड़ा सा आपको बदलना है. यू नो, आप जो बरस जाती है ना, वो बरसा मत करिए. बरखा नाम है इनका. आप जो अगर बरसना ही है, तो प्यार और मोहब्बत की बरसात करिए. यू नो, लव, केयर, इमोशन, ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपको क्या है, आप एक सेकंड में ऐसे रिएक्ट कर जाते हो, एंड दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ. तो यू नीड टू चेंज दैट. ये मैं इनको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. बाकी रिसर्च वाला माइंड है, कुछ भी सीख जाएंगी. एस्ट्रोलॉजी सीखने में इनको इंटरेस्ट होगा, पूछिए. She want to learn astrology according to me. And if she is not inclined, या सोचा नहीं, तो बड़े होके एक दिन ये astrology भी सीख सकती है. ये compliment दे रहा हूँ मैं इनको. राज लिख रहे हैं, रोज पीटेगा बेचारा, क्या करें आप राज. अब यहाँ पे हम लोग शादियां भी कराते हैं, यू नो, हमारी matrimonial service है. अब आगे से proposal. I want to say, जो भी लिख रहा है आप मुझे कह रहे हो written already. Richika, how will I go up and see? Why don't you write it here again? Copy paste कर दो यार.
आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्वेश्चन. जी तो देखिए करियर में तो मैं कह सकता हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग टू डू विद क्रिएटिविटी. आई थिंक यू लव टू डू थिंग्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर एंड अब कोई दिक्कत नहीं है. 2019 आपका बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग साल था. नाउ थिंग्स हैव चेंज बड़का. सो डोंट वरी अबाउट इट. मुझे लगता है आपको कम से कम एमबीए करना चाहिए. दैट विल हेल्प यू. तो टेक केयर. विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. बट ट्राई टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन लाइफ. मेडिटेट करो. एग्रेशन को दूर करो क्योंकि गुस्सा कभी कभी बहुत नुकसान कर सकता है किसी का भी. बचपन की बात अलग थी. नाउ यू नीड टू चेंज. रणविजय कवर प्लीज अपना जो मैसेज आपने ऊपर लिखा था कॉपी पेस्ट करो. आई कांट टेक रिचिका दो आई वांट टू. आई एम नॉट सीइंग एनी डीएम्स राइट हियर. प्लीज इफ यू कांट राइट हियर आई कांट सी. आई एम सो सॉरी. बट रणविजय इफ यू आर हियर क्विकली जस्ट राइट योर डिटेल्स. ओके आई हैव गॉट. रणविजय कवर डेट ऑफ बर्थ 19th May 1997. टाइम 9:30 PM. Okay, please. Place Solan, Himachal Pradesh. He's asking मेरे लिए best career क्या होगा? Business कर सकता हूँ क्या? और इनका एक सवाल है, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए अच्छे दिन का इंतजार तो काफी दिनों से लोग कर रही है. कई मुल्कों की पुलिस कर रही है क्योंकि अच्छे दिन अभी कहीं भी नहीं है भाई साहब. ये ग्लोबल रिसेशन चल रहा है और यहाँ पे ये साल भी और अगले साल ऐसे ही जाने वाला है. लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ इनका बचपन का सपना है कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है. कहाँ गए भाई साहब? क्या नाम है इनका? रणविजय. रणविजय डू यू वॉन्ट टू रन कवर? तो रणविजय डू यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इंडिया? पूछिए रन. इसीलिए इनका नाम रणविजय. दूसरे देश में जाके विजय पताका फहराना चाहते हैं दौड़कर. रणविजय ऐसा मैं जोड़ घटा करके बता रहा हूँ. लेकिन ही हैज ऑल द टेंडेंसी टू डू दैट एंड इफ ही हैज एनी बिलीव एनी डिजायर ही माइट सेटल डाउन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. और दूसरा बात है कि इनका सपना बहुत बड़ा है. इनको कभी छोटा काम नहीं करना. जॉब करने में 1% इंटरेस्ट नहीं है. ही सेइंग यस सर. दैट मींस ही वांट टू गो आउटसाइड. और जिस दिन आप चले गए भाई साहब रन रनिंग तो उस दिन तो आपका वहीं पे सेटलमेंट हो जाएगा. और ये आपने सोचा भी है कि आई वांट टू सेटल डाउन एंड यही इनके साथ होने वाला है. तो ही इज सेइंग यस. तो दैट मींस हॉरोस्कोप इज आल्सो करेक्ट एंड व्हाट ही इज थिंकिंग इज राइट और एवरीथिंग इज लाइक दैट. यू नो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो आपके दिशा में जो चीज होने वाली होती है वो उसका मन आपके लिए वैसे ही बनना शुरू हो जाता है. देयर इज अ रीजन. कोई डॉक्टर की फैमिली में बॉर्न हुआ फिर वो सिंगर बन गया. तो इट इज द प्लैनेट विच इन्फ्लुएंस योर माइंड एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स द वे यू वॉन्ट. ग्रेट. तो अच्छी बात है भाई साहब. आप एक पुखराज बन लीजिए, एक रूबी बन लीजिए. दो स्टोन आपके काम आने वाले हैं. और थोड़ा सा रेस्टलेस मत होइए क्योंकि जो प्लेनेट आपको बाहर भेजने में मदद कर रहे हैं वही आपको परेशान भी कर रहे हैं. तो थोड़ा सा होले होले धीमे धीमे चलिए. जिंदगी को इंजॉय करिए बिकॉज अगर मौसम खराब है बरसात हो रही है तो उसमें बरसात का कंप्लेंट मत करिए. बरसात को इंजॉय करिए. दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ. क्या बात है, क्या बात है. अभी फाइनली रिचिका का पूछ लेते हैं. जी रिचिका इज 3rd November 1999. एक घंटा हो गया पता नहीं चला. थर्ड नवंबर. अच्छा 4 बजे. जी 3rd November 1999. टाइम 4:20 AM. प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता. भैया अब रुचिका जी आप कान खोल के जो है ध्यान से सुन लीजिए. आप बहुत हफ्ते से रुकी हैं. राहुल वर्मा जी प्लीज अपनी डिटेल भेजिए. नेक्स्ट आप ही का नंबर है. तो देखिए ये तो मुझे लग रहा है वीजा अप्लाई कर दिया क्या इन्होंने. शी वांट टू गो आउटसाइड एंड स्टडी अब्रॉड. रुचिका पूछिए प्लीज आंसर. एंड इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है. अगले साल से पहले पहले अप्रैल 2021 से पहले पहले एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड दैट चेंज मे बी इफ यू नो शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री. वेयर आर यू? व्हाट्स हर नेम? रुचिका. रुचिका हां शी इज सेइंग यस. रुचिका झुंझुनवाला. So I think she has a future outside India. She want to go study, go abroad and study further. And she has a research oriented mind. And I think ये अपनी पढ़ाई को करती रहेंगी. और अगर अभी नहीं गई तो फिर आप जाओगे whenever you desire so. Because आपकी कुंडली में जाना है लिखा है इन्होंने. जाना है पर पता नहीं कब. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भले ही आपको ग्रेजुएशन यहाँ करनी है लेकिन तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू माइट गो. तो ये कंफर्म है कि आप जाओगे. और ये भी कंफर्म है कि यू विल कीप ऑन लर्निंग, यू विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे. एंड यू ऑलवेज वांट टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर. हर चीज को आप अलग तरह से करना चाहते हैं. रिसर्च वाला इनका माइंड है और इनको समझाना और समझना बहुत मुश्किल है. तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं. तो इनका मैं एक चीज आपको रुचिका जरूर कहना चाहता हूँ. प्लीज डोंट यू नो कीप थिंग्स इन योर माइंड विच आर नॉट इम्पोर्टेंट. Because you have that mind,
डिजिटल मेमोरी है आपकी, हर चीज को आप रख लेते हैं, वो आपकी जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं, बट एक चीज कंफर्म है कि सब कुछ बदलने वाला है, अ न्यू जर्नी फॉर यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर प्लानिंग बट इज गोइंग टू बी अनदर अनदर जर्नी ऑफ एवरी काइंड। सो 19 ईयर्स अगर ये इनकी एज है तो दैट मीन्स ये कॉलेज में आ गई होंगी, राइट? तो ये कंफर्म है कि 2 साल से तो तक नहीं जा पाएंगे अगर कॉलेज में है तो इसका मतलब 2 साल तो के बाद दो कोई साल ऐसे ही मुझे लगता है कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा, अभी तो स्कूल तक कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सब सब तो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो आई थिंक जस्ट रिलैक्स एंड शी विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग सम काइंड ऑफ टैरो या कुछ ऐसा एनर्जीज में भी इनको इंटरेस्ट जाएगा, ये भी इन्होंने सोचा है मुझे भी करना चाहिए, यू नो बहुत मजा आता है। सो आई थिंक शी माइट डू दैट ऑल्सो, एनीथिंग टू विद ओकल्ट। अच्छा हॉरोस्कोप है एंड वेरी क्रिएटिव, पार्टी में भी मजा आता है और एंजॉय भी करती है एंड क्रिएटिव भी है, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। राहुल वर्मा प्रेजेंट हो, तुमने डिटेल लिख दो। मैं पूरा ऊपर जा चुकी हूँ, मुझे आपके कोई डिटेल नहीं मिला। इफ यू आर हियर विद अम, प्लीज क्विकली राइट योर डिटेल्स राइट नाउ राहुल वर्मा। ऋषिका पूछ रही है कैन आई बी सक्सेसफुल, ऑफ कोर्स यू विल बी सक्सेसफुल। उसमें देखिए सक्सेस के लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड होती हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल कितना है, कितनी काम इंसान है आप, क्योंकि आपके 4th हाउस में मंगल है तो आप जल्दी से प्रोवोक हो जाती हो, तो अगर रिएक्ट करोगे छोटी छोटी बातें पकड़ोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे तो टीम नहीं बनेगी। इट इज ऑल अबाउट टीम, द पीपल यू नो, कहते हैं मैन इज ओन बाय द कंपनी की। वुमेन के लिए नहीं लिखा बट इम्प्लाइज टू देम ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ाइए अगर आप ऋषिका, देन एवरीथिंग विल बी ऑल गुड। राहुल फटाफट अपनी, मैं बोल रही हूँ अगर प्रेजेंट है तो बताइए, तो प्रेजेंट लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं। पलक मैम की क्लास, आप अपना टाइटल आप शुरू कर दीजिए अब शो का। प्लीज राहुल क्विकली राइट योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड मंथन गर्ग आप भी दोबारा लिखिए। और मुझे लग रहा है ये वीडियो बंद हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट्स हो गए मेरे हिसाब से। नहीं, वी स्टार्टेड एट 3:31। थ्री, अच्छा आई एम सो सॉरी, मुझे लगा 3 o'clock। अच्छा वही, मैंने कहा 1 घंटा कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। ऋषिका कह रही हूँ इंटीरियर डिजाइनर है। अच्छा वो क्रिएटिव क्रिएटिव जो मैं कर रहा था, वेरी गुड। तो यू शुड परस्यू दैट ओनली बिकॉज यू आर वेरी एंड यू शी विल ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंट। चलो नए वाले जो है उनका ले लेते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा नहीं ले रहे हैं। मंथन गर्ग का आ गया, डेट ऑफ बर्थ 26/7/1998। आपने टाइम ऑफ बर्थ, जुलाई हाँ टाइम ऑफ बर्थ तो बताइए। अरे भाई साहब, सब आप 26 जुलाई, इतने उसमें देते हैं। चलिए तब तक अनीता का ले लेते हैं, राज गोस्वामी है अनीता, 19 जनवरी 1988, 1 PM, ओके, उल्लास नगर। ये अपना ओन बिजनेस करना चाहती हैं अनीता, लेकिन इनके बिहाफ पे राज गोस्वामी बात कर रहे हैं। तो क्या रिश्ता है आपका राज? राज क्या रिश्ता है तुम्हारा? देखिए अनीता को आप 1988 मतलब 22 शी इज नाउ, वाह, देखिए शी इज द बॉस। लाइफ पूछे जा रहे हैं, अरे जवान नहीं, ये बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब जवान इन द सेंस शी इज अ वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी स्ट्रांग पर्सन एंड शी इज द बॉस। और एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं सलमान खान की नहीं सुनूंगी। सिस्टर हैं, ओके। तो ये भले ही इनके बड़े भाई होंगे लेकिन इनको पता है कि चलती इनकी बहन की है, क्योंकि शी इज अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, वेरी स्ट्रांग। और एक बार इन्होंने सोच लिया है तो कर गुजरेंगी उसको। देखिए अभी जैसे आपको बताया मौसम ठीक नहीं है एंड योर सिस्टर शी विल नेवर वर्क अंडर एनीवन, वो उसका नेचर है ही नहीं, वो किसी का ऑर्डर ले ले, तो दैट इज हर पर्सनैलिटी। और उसकी वजह से वो अपने खुद का बिजनेस करना चाहती है और बचपन से वो करियर ओरिएंटेड है कि मुझे कुछ अपना खुद का करना है, ऐसा उसका सोच है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो टाइम ठीक है लेकिन मैं अगले साल से 2.5 साल के लिए इट इज नॉट ए गुड सिचुएशन। तो आई वुड सजेस्ट यू कि कोई कंसल्टेंसी किसी चीज की ट्रेडिंग जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ना हो वो कर लीजिए, या कोई स्टडीज को अगर कंप्लीट करना है वो कर लीजिए। जो भी अगर आपको पैसे लगाने हैं, कोई रिस्क लेना है, तो प्लीज आई विल सजेस्ट यू 2024, 4 साल के बाद आप पैसे लगाइएगा, देन इट इज अ गुड आइडिया। निको अभी बीच में, अभी तो 1 साल निकल जाएगा लेकिन 1 साल के बाद 2.5 years में नॉट बी गुड। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज मनी, डू समथिंग वेर एनी वन इज इन्वेस्टिंग मनी, यू आर हैंडलिंग इट, ये एक अच्छा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन खुद के पैसे अभी मत फंसाइए क्योंकि ये 2.5 साल 1 साल के बाद इट इज नॉट ए गुड फेस। और इवन शादी के लिए मैं बोलूंगा कि कुछ भी भले ही आपको रणबीर कपूर का प्रपोजल आ जाए, 2024 तक शादी मत करना। 2024 तक शादी मत करना जी, भले ही कहीं से भी आ जाए, खुद नहीं की अभी तक। हाँ तो मतलब साल के ऊपर हो चुके हैं,
तो तुम भी थोड़ा हाँ धैर्य वेद रखो। जी, और ये मध्यम मांगलिक क्या है, है? तो बिफोर हाँ फॉलिंग इन लव मांगलिक। शी नीड टू नो, हाँ, कि मांगलिक इंसान होना चाहिए। ओके, ट्विंकल एंड मंथन। मंथन गर्क, 26 जुलाई 1998। ट्वेंटी टाइम सिक्स ऑफ जुलाई है ना 1 PM। 1998 बोला ना आपने? जी जी प्लीज। वही आपका गढ़मुक्तेश्वर, यूपी में जो गढ़मुक्तेश्वर। आप बोल नहीं पाती हैं, ओके। ये तो टंग ट्विस्टर लगता है मुझे, नहीं, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर, देखिए गढ़ मुक्तेश्वर, वो आप हापुड़ बोल दिया करिए, तो एक ही बात है, वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली उनके। मुझे करियर तो और फ्यूचर सक्सेस के बारे में पूछना है। सक्सेस कब तक होगी? देखिए, सक्सेस बहुत बड़ा एक टर्म है जिसमें हाँ 1 घंटा चाहिए पूरा एग्जैक्टली उसको डिफाइन करने में, यू नो, राइट कि नाउ तुझे क्या चाहिए एवरी जिंदगी। डे अगर हम कोरोना से बच रहे हैं वो भी एक सक्सेस है। एब्सोल्युटली। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इनका क्या नाम है भाई साहब का, मंथन गर्ग, गर्ग, गर्ग मंथन मंथन। गर्ग। तो मंथन, हाँ मंथन, सबसे पहले आपको ये मंथन करना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, और खूबियों की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये इनको ये किताब लिख सकते हैं, और वो किताब का टाइटल भी मैं बता देता हूँ, एंड आई प्रॉमिस दैट इट विल बी द बेस्ट सेलर। ही कैन राइट अ बुक ऑन हाउ टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि क्या है कि छोटी छोटी बातों में पकड़ के बैठ जाना और उसको उसकी वजह से बुरा मान जाना, मैं ये PhD कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बात और, आई तो वॉन्ट टू आस्क यू संदीप जी, बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को, ये एक कैन यू चेंज इट, या फिर हमारे कुंडली में ये एक ऐसा ओवर बहुत थिंकिंग का कीड़ा होता ही है, एंड वी कांट चेंज इट। बहुत कैन वी अच्छा, चेंज दैट वेरी गुड, दिस थिंग? आई रियली अप्रिशिएट दैट पलक, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन टू द सेम स्टेट। द थिंग इज, सबसे मुश्किल क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में कोई जानता ही नहीं, यू नो। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर और एक स्ट्रेंजर है, वो आपको बताता है कि भाई साहब ये आपकी प्रोग्रामिंग जरा सा फ्लॉ है, और ये आप इस तरह, क्योंकि क्या है, जब जो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होने लगता है, उसको लगता है कि ओके सब ऐसे ही होंगे, अब मैं ज्यादा सोचता हूँ तो नॉर्मल है, मुझे गुस्सा आता है ये नॉर्मल है, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ ये नॉर्मल है, तो उनको कौन बताएगा कि ये नॉर्मल नहीं है भाई साहब, जो आप सोच रहे हैं दिस इज एज पर योर मीटर, नेचर का मीटर अलग है, कहाँ गई अब, नेचर का मीटर अलग है। तो ये बात जब रियलाइजेशन होती है, एक स्ट्रेंजर बता सकता है, पेरेंट बताते रहेंगे, आप बड़े होते रहोगे आपको समझ में नहीं आएगा, कह रहे तो बोलते ही रहते। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि ही इज अ गुड पर्सन, इसमें मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी वाइज पर्सन, बट इनका जो अटक जाना और बुरा मान जाना, वो उसकी वजह से इमोशनली ऑलवेज देयर इज अ सिचुएशन, और रिश्तों में तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी। 22 के हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ इनका 22 कंप्लीट हो जाएगा, रिश्तों में हमेशा इनको प्रॉब्लम आएगी। तो भाई साहब आप हमेशा बिगर पिक्चर को देखिए, छोटी बातों में रिएक्ट मत करिए, ये जिंदगी है उसको खूबसूरत तरीके से गुजार लीजिए, यू नो। मैंने क्या लिखा था इनके लिए, इनको सुना देता हूँ, कई बार सुना चुका हूँ, बट इस वन ऑफ माई फेवरेट शेर जो मैंने लिखा था कि जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी, तो जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। तो भाई साहब हमें जिंदगी को गुजारना है खूबसूरत तरीके के साथ, ये आप करिए, एमरल्ड सूट करता है, डायमंड सूट करता है, एंड आई थिंक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी काबिलियत है, आप लाइजिंग कर सकते हैं, आपको पॉलिटिशियन से गेंद मिल सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू गेंद मिल सकते हैं, तो ये सब एरियाज हैं जहां से आपको गेंद मिल सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन से मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक हैप्पी स्टेट में रहें, ये कंडीशन अप्लाइड है आपके लिए। हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ करते हैं। इफ यू बिल्कुल, आस्क तो इनसे योरसेल्फ कि पूछिए। काम पे क्यों जाते हो, जी पैसे कमाने के लिए, पैसे क्यों जी कमाते बिल्कुल, हो, ये करने के लिए, वो करने के लिए, अल्टीमेट आई थिंक वी रीच टुवर्ड्स हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली। तो कहाँ गई है भाई साहब, समझ में आया आपको, कहाँ गए आप? कहाँ गए देखिए इन्हें? बिजनेस फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, यू कैन, मैंने अभी बताया, लाइजरिंग कर लीजिए भाई साहब, कंसल्टेंट बन जाइए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए, दैट इज समथिंग विच विल कम टू यू नेचुरली, गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिशियन अपने से जुड़ी। हुनर को तलाशिए। राइट, नेक्स्ट वी आर टेकिंग भारती या भक्ति, उनका नाम पता नहीं, मैं थोड़ा मैं अपनी राइटिंग में कंफ्यूज हो गई। भक्ति, हाँ भक्ति, 22 अगस्त 1999। भक्ति इफ यू हियर गिव मी अ थम्स अप। नागपुर, नागपुर सुबह 6:03, और इनका मेन मुद्दा है हेल्थ और एंगर इश्यूज। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये बताइए कि कोई इंसान अपनी खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है, अरे हम राइटिंग पढ़ो अच्छे, हम जस्ट टॉकिंग टू यू, हम राइटिंग नीचे। मैं मुझे अपने बचपन के दिन आ गए, मुझे बहुत ये मार। देखो मिस्टिक मिस्टिक रिव्यू जिनका सबसे पहले लिया था वो आए हैं, आप कह रही है कि आई हैव गिवन द रॉन्ग टाइम।
सॉरी आपका टाइम ही रॉन्ग चल रहा है मुझे लग रहा है। तो ये इनका नाम क्या है भाई साहब का जिनका आपने डिटेल ली? भक्ति 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 की अहमियत, भक्ति। मतलब देखिए भक्ति की भक्ति का तैयारी क्या करनी प्रॉब्लम चाहिए। है, इनका सबसे पहले हर्ट होता है ईगो, सबसे पहले। दूसरा इनको हर्ट होता है कि इन्होंने एक बार अभी सोच लिया है, अभी आई हैव डिसाइडेड, प्लीज डू नॉट चेंज दैट। तो जिद, तो एक ईगो और दूसरा जिद, ये दोनों चीजों को जब हिलाया जाता है तो बन जाता है गुस्सा। ये इनका प्रॉब्लम कि इफ एनीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट माई विश, देन इफ एनीथिंग इज गोइंग व्हाट आई हैव डिसाइडेड, एंड इफ यू आर नॉट बिहेविंग इन द राइट मैनर, तो फिर बैंड बज जाएगी इनका हेल्थ और ये। हेल्थ के बारे में सवाल। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं हम लोग क्लब बना रहे हैं, शी इज सेइंग इवन आई कांट रीड माय ओन हैंड राइटिंग। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसका क्या हाल होता होगा बेचारी आपकी, मैम मैम जब आपकी नोटबुक चेक करती मतलब होंगी। बेसिकली हम लोग डॉक्टर बनने के लिए 10% क्वालिफाइड है, बट एब्सोल्यूट जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, माय राइटिंग इज वेरी गुड, आई वांट टू जस्ट से इट, माय राइटिंग इज वेरी गुड, यहाँ पे ठंड इतनी है कि मेरे हाथ अकड़ जाते हैं, आई कांट मूव द पेन आल्सो। अरे मुझे आपने याद दिलाया, सिंगापुर में एक रेडियो स्टेशन है इकलौता मस्ती हाँ मस्ती, बॉलीवुड के लिए, और वहां पे जब भी आप जाइए तो वहां पे अगर आप गलती से जैकेट लेके नहीं गए तो ये तो टैन कंफर्म पड़ है, फिर जाती आप है, इट बोल इज नहीं सो सकते। कोल्ड। मतलब मैं एब्सोल्युटली यही बिल्कुल आदत नहीं रही है फुल टाइम एसी में रहने की, एंड यू बैक टू दिस थिंग, गर्क नहीं, शिवा वहां तो कोस्ट। पता नहीं माइनस में रखते हैं टेम्परेचर, आई डोंट नो, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है वहां पे, पूरा मीडिया सिटी है वहां पे, तो आपको लिटरली यू हैव टू वेयर ए रजाई या कंबल बहुत बड़ा मोटा, ऐसे ऐसे करके रेडियो करना पड़ता है शिवम अपनी डिटेल्स जल्दी से भेज दीजिए, गर्क शिवम जी। ने बिल्कुल, मिलियन तो ये इनको मेरे ख्याल से टाइम्स बात समझ सुना। में आ गई होगी, व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू हिम हर एक्चुअली। तो हाँ अब अगला ले लीजिए। शिवम गर्ग, 9th 907 क्या होता है, जुलाई 94, जुलाई, 9 जुलाई। और 5:55 PM शिवम योर नहीं प्लेस ऑफ ईयर, बर्थ देखिए ईयर में वहां नहीं था, मैं कैसे बता दूं ईयर कब पैदा हुए हैं, ईयर नहीं बताया लाइक 94, ना। अच्छा सॉरी, टाइम 5:55 शाम को, 555 मसाला। प्लेस क्या बात है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऑफ बर्थ बता देंगे तो हमारे को बहुत दया हो जाएगी हम पे। ये क्या कर रहे हैं भाइयों और नहीं 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 थाने देवियों और थाने सज्जनों? थाने नहीं, ये राज गोस्वामी का मिक्स ना हो जाए। शिवम शिवम गर्ग, रोने वाली इमोजी तो इतनी भेजती, प्लेस ऑफ बर्थ भी भेज देते भाई। थाने में तो कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। अरे नो मैम, मत लिखो, अपना जल्दी फटाफट से बताओ प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम गलत है तो तुम बताओ। नहीं मेरा जोक नहीं आपने सुना, मैंने कहा थाने में क्या कृष्ण भगवान थाने में पैदा हुए थे, थाने मतलब वो जेल में थे जी, जी अरे ये भी अच्छा गुणमुक्तेश्वर निकले, कितने उन्हीं के गुण, भाई हैं। कितने गुण, गढ़ मुक्तेश्वर में हम काफी हिट है, गुड़ मतलब नहीं है, अरे गढ़ है, गढ़। गढ़ मुक्तेश्वर। हाँ आपका टाइम तो सही है ना, 5:55 PM ही है ना शिवम गर्ग, 555 मसाला बाकी बता रही थी। हाँ अच्छा ओके, तो अच्छा। सवाल क्या है इनका? सवाल जिंदगी के चल रहे हैं, सवाल बताइए क्या है भाई, करियर शादी देजा तो 2 questions घूम फिर के। पर बचा क्या, टोटा यस मैम, वही लिख रहा है, करियर शादी देजा खाली मेरी। जाना हाँ बिल्कुल, ओ मैं अबाउट न्यू जॉब, चला। अबाउट न्यू बिल्कुल, जॉब। देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ, 2019 इनकी जिंदगी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग साल था, 2018 इनकी जिंदगी का सबसे डिप्रेसिंग टाइम था, और बहुत ही ये वो कहते हैं कि सोना आग में ही कुंदन बनता है, कुंदन बन चुके हैं। सरनेम मतलब इनका निक नेम कुंदन है, और ये बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही केयरिंग है, ये इनकी सबसे अच्छी बात है, इसलिए इनके दिल पे लग जाती है। तो भाई साहब आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, ये दुनिया कुछ अजीब सी हो गई है तो आपको भी वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा, ये दुनिया बड़ी संगीन हो गई है जी, मैं कुछ तो लिखा था, संगदिल हो गई, शेर भूल गया मैं। तो मर्क्यूरी में शुक्र की दशा है, विच विल बी अ गुड दशा, तो अब आपका जितना नेगेटिव दौर था वो निकल गया है, लेकिन अगर आप पुरानी बातें मन में रखेंगे, वो फियर या एंग्जाइटी बढ़ाएंगे, तो देन इट इज नॉट ए गुड सिचुएशन। बट अब मैं कह सकता हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आईटी कम्युनिकेशन मार्केटिंग बैंकिंग सेल्स ये मीडिया ये एरियाज आपको हमेशा फायदे देते हैं, और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूछिए क्या करना चाहते हैं, कहाँ गए शिवम गर्ग, क्या करना चाहते हैं आप, प्लीज शिवम भाई बताइए। साहब, ये बताइए आपने कभी ये चीजें सोची हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ? और इनका एक सपना है कि इनको एक एनजीओ खोलना है,
ये भी बिल गेट्स की तरह कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए। पूछिए कहाँ गए। हाउस कब बनेगा नया। हाँ तो देखिए हाउस तो भाई साहब मकान बनाना है या घर बनाना है दोनों में फर्क है। अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आपको एक हैप्पी जोन में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में जब आप बुरा मान जाएंगे और बातचीत बंद कर देंगे तो वो घर जो है वो मकान में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। ही इज सेइंग यस ऑन दैट थिंग दैट ही वांट टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी जो मैंने बोला था। और तो घर जो बनाना चाहते हैं भाई साहब, अभी तो देखिए नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के अंदर देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बाय योर ओन हाउस। लेकिन ये जो मेरा स्टेटमेंट है पलक, इसमें कंडीशन अप्लाइड होती है कि अगर इनके मींस हैं, इफ ही हैज यू नो भाई 20% आपके पास है और आपकी आप इंस्टॉलमेंट कवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नवंबर दिस ईयर से नवंबर नेक्स्ट ईयर के बीच में यू विल बाय बाय योर हाउस एज पर योर चॉइस। फ्यूचर की टेंशन मत रखिए, खाली प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम है और आप जब दिल से काम करते हो तो दिल पे लग जाती है आपकी इकलौती प्रॉब्लम। लवली। नेक्स्ट इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बिग स्टार। आप जो है अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। ट्विंकल मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। इनका बर्थडे मेरे पापा के बर्थडे के साथ होता है 27 नवंबर 1999। टाइम बताइए। नल 10:50 AM 10:50 प्लेस ऑफ बर्थ नलबारी असम। तो बहुत बाहर है नल भारी। स्पेलिंग क्या है, बड़ा भारी नाम नहीं लग रहा है। NALBARI नलबारी है ना भाई, क्या है आपका साम वाली। हाँ मिल गया मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया। 27 नवंबर 1999 मुझे लग रहा मेरा ज्योग्राफी जो है इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, राइटिंग खराब हो गई कुछ तो इम्प्रूव होना चाहिए, बैलेंस हो रहा है। 27 नवंबर 1999 10:50 AM आसाम में पैदा हुए, उस दिन थे सैटरडे। और नाम बताया ना, नाम क्या बताया था इनका। ट्विंकल 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 तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब देखिए स्टार्स कब चमकते हैं, अंधेरे में। और इनकी जिंदगी जो है वो अंधेरे में ही चलती है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये हर चीज में अंधेरा ढूंढ लेती हैं, हर चीज में डिप्रेसिंग थॉट आता है, हर चीज का नेगेटिव साइड पकड़ लेती हैं और फिर ये बैंड बजा देती हैं खुद की भी। तो दिस इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इनको फोबिया है, शी हैज क्या बात है आरजे भाई साहब, ये आरजे थे आपको मास्क में ना नहीं पहचान करण। ओके अब ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। और भाभी जी आप कैसी हैं, बोले भाभी जी नहीं आप ही की वाइफ हूँ, अभी मुश्किल हो गया आज में सोसाइटी में हमारे साथ हुआ है। संदीप जी हमारा नंबर कब आएगा भाई साहब, जब आप कहें आप ही का नंबर अभी लगा देते। नहीं नहीं पहले ये पहले ट्विंकल ट्विंकल। अब तो नकाब की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। सही में नहीं नहीं मैं नकाब के बिना आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है ओके। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। ये इनका इमोशन फोबिया, इनको ये प्रेजम्पशंस अजम्पशंस पे चलती हैं और उसके वजह से ये डिप्रेसिंग जोन में चली जाती हैं और फिर ये रिएक्ट करती हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस एक लाइन, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इनको इसमें चेंज करना चाहिए। और अगर ये हैप्पी जोन में आना सीख गई तो मैं इनको 10 में 10 नंबर दे सकता हूँ इनकी लर्निंग के लिए, इनकी नॉलेज के लिए। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं लेकिन वो एक कंडीशन है कि शी नीड टू बी इन हैप्पी स्टेट। कहाँ गई है, क्या नाम बताया था इनका, असम में। ट्विंकल ट्विंकल। सो ट्विंकल आप उस नेगेटिविटी को दूर करिए। ट्विंकल से मुझे याद आया कि मैंने एक पोएट्री लिखी थी, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे। सितारों पे याद आए ट्विंकल, तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। सो जो अंधेरे हैं, जो स्ट्रगल है या हार्डशिप है या किसी तरह का यू नो जो सेटबैक्स हैं जिंदगी में, वो आपको उसको आपको पुल डाउन नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ओनली वे इज योर प्रेयर्स, योर बिलीफ सिस्टम, योर मेडिटेशन। तो अगर आप मेरी बात सुन रही हैं ट्विंकल, तो आज से कसम खाइए कि आज कुछ भी हो जाए आज के बाद, यू विल नेवर एवर फील बैड अबाउट थिंग और रिएक्ट ऑन एनीथिंग। ये अगर आप कसम खा लेती हैं अभी, कि कसम खाइए, कसम लिखिए यहाँ पे, तो देन आई प्रॉमिस यू दैट एवरीथिंग विल बी गुड इन योर लाइफ। वो तो पूछ रही है अच्छा टाइम कब आएगा। अच्छा टाइम कोई ऐसे वो नहीं होता कि आज से डे वन अच्छा टाइम स्टार्ट, ऐसे नहीं होता है। नहीं 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 प्रॉब्लम पता क्या है, सब कुछ अच्छा है फिर भी ये कुछ ढूंढ लेती हैं। पहले बारिश नहीं हो रही है तो कंप्लेन थी तो कि बारिश कब होगी, अब बारिश हो रही है तो बारिश कब रुकेगी, तो ऐसा हो जाता। जी बताइए। हाँ अभी है मीरा हंस ऑफिशियल। मीरा हंस ऑफिशियल है, ऑफिशियल है भाई, अनऑफिशियल नहीं है। तो अनऑफिशियल क्या है,
4 मार्च 1983। ये कुछ कसम तो खाई है इन्होंने, कुछ यहाँ पे लिखा है इसमें इन्होंने, ओके सर प्रॉमिस कसम से आज से रिएक्ट नहीं करूंगी, चलिए कसम खा ली उन्होंने, सबके सामने गवाह है, दुनिया गवाह है, देखिए अब याद रखिएगा। मीरा हंस 4 मार्च 1983 3:10 सुबह में और अमृतसर पंजाब। ओके तो ये इतने सुबह सुबह पैदा हुई है वो भी सर्दियों में, बताइए 4 मार्च 1983 को फ्राइडे था 3:10 सुबह, आई होप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो। देखिए बहुत लाइफ चेंज हुई है इनकी पिछले 2-2.5 साल में, काफी कुछ इनका जिंदगी में बदल गया है, एंड शी इज नाउ 37 कंप्लीट हो गया, दिस इज 38th ईयर नाउ रनिंग, शी इज क्वाइट इंट्यूटिव, वेरी वाइज पर्सन, वेरी क्रिएटिव, हर चीज को खूबसूरत तरीके से करना है तो कोई इनसे सीखे, हर चीज इनको बेस्ट मिल जाती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शी इज ब्लेस्ड इन दैट वे, एंड शी इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, मुझे नहीं पता ये क्या करती है, इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, एंड मैं ये बता सकता हूँ कि मार्च 2020 से इनकी लाइफ और अच्छे अच्छे पन का कौन सा ऐसा प्लेनेट होता है जो बताता है कि दैट द पर्सन इज वेरी नाइस। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नो एक इंसान है बहुत वाइज है, लेकिन हो सकता है कि वो काइंड ना हो, दोनों में फर्क है एक्चुअली, वाइज हो लेकिन नाइस ना हो, नाइस ना बिल्कुल। शी इज आस्किंग अबाउट हर मैरिज, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, हेलो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तुम लोगों को तो कोरोना खत्म हो गया, हाउ कूल इज दैट, किसकी बात कर रही है अभी अभी जिनका आप देख रहे हैं, नाम क्या है उनका, मीरा। देखिए मीरा जी मैं आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें खाली एक चीज है जिसकी मैंने बिल्कुल जिसके बारे में जिक्र नहीं किया है, वो है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आपको याद हो 10 में से 9 लोग जो आपको अभी तक मिले हैं वो 9 के 9 वो थे जो शाहिद कपूर की फिल्म आई थी केस से शुरू होती थी, उनका डबल रोल था। तो गूगल कर लीजिएगा, हाँ मैं नहीं बोलूंगा मेरा फेवरेट वर्ड है बट बोल नहीं सकता मैं, तो वो पूछे इनसे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शी कम अक्रॉस पीपल हु हैव डिसीव्ड हर most of the time, या जग हाँ तो कोई बात नहीं, तो मीरा मीरा LOL कर रही तो मीरा, और दूसरी बात क्या है कि एक जगजीत सिंह की गजल है जो आपको बहुत पसंद है कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, तो इनका यही प्रॉब्लम है, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, बट यस देखिए जो होना था वो हो गया, और मुझे लगता है कि आपका जो जो जितना भी हिकअप्स हुए हैं पास्ट में, अभी पब्लिकली आई एम नॉट सपोज टू से फ्यू थिंग्स, उसको आप भुला दीजिए, and if you really and if you want to settle down, you want to get married, then I will say November 20th, 2020 se aapka time of marriage will begin, aap manglik hain to ek advice main zarur dunga meera ji ki before falling in love you should get that horoscope checked, to uski kundli aap ek bar zarur check kara lijiyega ki uska nature kaisa hai, character kaisa hai, uska future kaisa hai, wo insaan kitna wise hai, kitna spiritual hai, so that jo aapko shaadi ke baad pata chalega ki main kahan phas gayi fir se, wo aapko main pehle se advance mein bata dunga, so I think kab shaadi hongi, yog kab ban rahe hain inke shaadi, bata to diya yog kya, main to shaadi bhi karwa chuka hu, aapne suna hi nahi, aap padh rahi thi messages 20th november se time shuru ho raha hai, oh are sahi hai, tab tak jo hai wo lockdown mein khatam ho jayega hamari, bilkul अभी लास्ट ले रहे हैं सोनल का, उसके बाद आई डोंट थिंक सो टाइम बचेगा, सोनल 12th 5 यानी कि 12 मई 85, सोनल इन योर ईयर गिव मी अ थम्स अप, 6:30 6:35 AM प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद। सवाल क्या है अभी, ये देखो मीरा पूछ रहे हैं लवर और रेंज, अभी आप देख लेना यार मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बताऊं, देखिए 35th ईयर इनका कंप्लीट हो गया, दिस इज अ 36 ईयर स्टार्टेड जस्ट नाउ एक्चुअली लास्ट मंथ, एक महीना पहले इनका बर्थडे था, एंड 36 ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियल इन एनी मंस लाइफ। क्या नाम है इनका, सोनल, हाँ सोनल, सोनल कुमार, हाँ तो सोनल की जिंदगी में उथल पुथल चल रहा है ऐसा इनको लगेगा, लेकिन इनकी जिंदगी बदलने वाली है, शी इज हेडिंग फॉर ए अमेजिंग फेज ऑफ हर लाइफ, मार्च 2022 से पहले पहले सब कुछ बदल जाएगा, लड़का है लड़की है, सोनल कुमार है ना, कुमार सरनेम भी हो सकते हैं, सोनल लड़का तो नहीं, सोना तो लड़की चाहिए, सोना कितना सोना है कौन सा गाना था, हाँ वो मैं गाऊंगा नहीं, हाँ इस भाई कहाँ गए वो भाई साहब, भैया भाभी जी कहाँ हैं, चलो अब तक इनको बता दो टाइम खत्म हो जाएगा, हाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी देखिए इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली, आई डोंट नो व्हाट हर रियली हर और हिम हिज क्वेश्चन इज, बट हिज लाइफ हर लाइफ इज गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली, टोटल जिंदगी बदल रही है,
जस्ट रिलैक्स, आने वाला वक्त आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत 19 एंड 17, 36 ऑफ योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। 36th ईयर ऑफ योर लाइफ आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये 36 ईयर है, कहते हैं 12 into 3 36, the person may get an opportunity which comes once. सोनल इज मेल, मेल है, किसने लिखा है? सोनल कुमार ऐसा, अच्छा ओके, वो तभी यहीं से शुरू हुआ है, वो शोना शोना इन्हीं से शुरू हुआ है, मेरे शोना मेरे बाबू। हाँ चलिए, एनीवेज चलिए, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है भाई साहब, अब आप तैयारी करिए और लाइफ का बेहतरीन दौर शुरू होने वाला है। खाली कुछ जल्दबाजी मत करिएगा, लेट दैट थिंग सेटल डाउन, क्योंकि मार्च 22 में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन योर ट्रांजिशन फेज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो थिंग्स विल चेंज फॉर गुड एंड आपका जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत बढ़िया है भाई। खाली अपनी जिद और गुस्से पे कंट्रोल करिए, आपके जानी दुश्मन है दोनों, जिसके वजह से आपने सारे रिश्तों की वाट लगा रखी है, पूछिए इनसे कहां गए आप। सो प्लीज चेंज दैट एग्रेशन एंड योर being adamant is your biggest problem in life, so just overcome that, but you are heading for a good time, so take care, wish you all the very best and god bless you Sonal Kumar ji. Do you want to take mystic review again, because jinhone galti se inhone 7:30 likh diya aur wo actually 7:15 mein born hui thi, to agar unka nahi koi farak nahi, 15 minute mein farak hota to main bata deta, koi farak nahi hai aisa jo maine bataya, कई बार 2 मिनट से और उसको चेंज होता है 1 मिनट से, आपकी कुंडली में नहीं बदल रहा था, क्योंकि जब भी बॉर्डर होता है तो मैं जरूर बता देता हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, हाँ चिंता मत करो यार, लाइफ में यू नो डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली इन लाइफ, मैं भी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय डिफिकल्ट टाइम अपार्ट फ्रॉम संदीप जी आई वेंट टू अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड नॉट एवरीबॉडी इज एज गुड एज हिम एंड ऑल्सो लाइक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलेंगे, नोबडी कैन स्टॉप इट, आप अगर अपना माइंड फ्रेम ठीक कर लेंगे, हर चीज को एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे और यू नो एक्सेप्टेंस कर लेंगे जैसे संदीप जी कहते हैं, यू नो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो सोचना स्टार्ट कर देंगे हर बात पे, यू नो रिएक्ट करके लड़ाई करके, इससे प्रॉब्लम जो 1% होनी थी वो 50% हो जाती है, सो उसी में वो निकल जाता है। थैंक यू सो मच संदीप जी, जिनके भी सवाल रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम से रूल है अगर आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ नहीं लिखेंगे मैं नहीं ढूंढने वाली हूँ। जिसका भी रह गया प्लीज मुझे डीएम कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड टेक अप, ये देखो मैंने सब लिख के रखे थे जिन लोगों ने मुझे किया था, आपने होमवर्क किया, मेहनत की है, आई रियली अप्रिशिएट। So please aap apna DM kariye and yes, life is good. See you. Bye. Bye. Bye.